Hello students, today I'll be discussing with you the answers of the questions that are from chapter 1, Arav and his headphones. Okay, so first question says, where Mrs. Ishmita slept? Mrs. Ishmita कहाँ फिसली थी? कहाँ फिसली थी Mrs. Ishmita? हमने chapter के time पढ़ा था, staircase पे. तो answer is, Mrs. Ishmita slept near the staircase. Mrs. Ishmita staircase के पास फिसली थी. Okay? Then second question is, why Arav was unable to listen his father's voice? Arav अपने पिता की आवाज़ सुनने में क्यों असमर्थ था? उसको अपने पिता की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई थी? क्योंकि वह बिजी था वॉक करने में और गाना सुनने में, है ना? So the answer is, Arav was unable to listen his father's voice because he was busy in walking and listening to songs. वह बातें walk करने में और गाना सुनने में busy था. What happened when Arav saw his mother lying on bed? क्या हुआ जब आरव ने अपनी मदर को बेड पर लेटे हुए देखा? क्या हुआ था? आरव जोर से रोने लगा था और परेशान हो गया था. सो आंसर इज, व्हेन आरव सॉ हिज मदर लाइंग ऑन बेड, ही सॉ हर इंजरी, उसने उनकी चोट देखी, एंड शाउटेड लाउडली, और जोर से चिल्लाने लगा विद फियर, डर की वजह से. Cried a lot, बहुत रोया भी. Ran towards her, उनकी तरफ भागा. And hold her tightly, और उन्हें जोर से पकड़ लिया उसने. Okay? Then next question is, why Mr. Anand did not punish Arav? Mr. Anand ने आरव को punishment क्यों नहीं दी? Mr. Anand ने आरव को punishment इसलिए नहीं दी थी क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि आरव अपनी मदर के चोट लगने से बहुत ज़्यादा अपसेट है. सो आंसर इज, मिस्टर अनंत डिड नॉट पनिश आरव बिकॉज ही noticed दैट आरव इज अपसेट ड्यू टू हिज मदर्स इंजरी. ओके, नेक्स्ट इज, what happened इन लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी? स्टोरी के आखिर में क्या हुआ था? क्या हुआ था स्टोरी के आखिर में? आरव के फादर ने उसको समझाया कि उसकी क्या गलती है कि उसे ईयरफोन्स लगाकर हमेशा गाने नहीं सुनने चाहिए, और आरव ने अपनी इस गंदी आदत को छोड़ दिया. ओके, सो द आंसर इज, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी Arav's father made him understand his mistake and hence Arav left his bad habit of using headphones. The moral of the story is, moral kya hai story ka? We should use the technology wisely. Hame takneek ka istemal samajhdari ke saath karna chahiye. Uska durupyog nahi karna chahiye. Okay students, now you will be writing all the 5 question answers in your English notebook. Plus, we have the vocabulary section, and this section you will be doing in the book itself, not in your notebook. ये copy में नहीं करना है ये वाला part, vocabulary का सिर्फ book में करना है. Okay? So, fill in the blanks to complete the story. हमें ये blanks fill करने हैं इस story को complete करने के लिए. A long time ago, 4 cows dash in a forest near a meadow. So यहाँ पे आएगा 4 cows were in a forest. WERE were in a forest. They dash good friends. वो अच्छी, बहुत साल पहले 4 गाय थी एक फॉरेस्ट में. They were, यहाँ पे भी were आएगा, WERE, they were गुड फ्रेंड्स, वे अच्छी दोस्त थी. एंड डिड एवरीथिंग टुगेदर, और हर काम साथ में करती थी. डैश ग्रेस टुगेदर, दे THEY दे, वे घास भी साथ में चढ़ती थी. एंड स्टेड टुगेदर, और साथ में रहती थी. बिकॉज ऑफ विच नो टाइगर्स और लायन वर एबल टू किल देम, जिसकी वजह से कोई भी शेर और
टाइगर उनको नहीं मार पाया। बट वन डे द काउस फॉट विद ईच अदर, यहाँ पे आएगा ईच, ई ए सी एच, ईच अदर, एंड ईच काउ वेंट टू ग्रेज इन डिफरेंट डायरेक्शन, और हर गाय वे आपस में उन्होंने लड़ाई हो गई और वे अलग अलग दिशाओं में घास चरने चली गई। अ टाइगर एंड अ लायन सॉ दिस, एक शेर ने और एक टाइगर ने उनको देख लिया एंड डिसाइडेड दैट इट वॉज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू किल द काउ, सी ओ डब्ल्यू एस। जब एक टाइगर और लायन ने ये सब देख लिया कि वे आज अलग अलग डायरेक्शन में गई हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यही अच्छा मौका है इन्हें मार देने का। दे हिड इन द बुशेस, उन्होंने अपने आप को झाड़ियों में छुपाया एंड अटैक द काउज, और काउज पर अटैक कर दिया एंड किल्ड देम, के आई डबल एल ई डी, किल्ड देम ऑल, और सबको मार दिया वन बाय वन, एक एक करके। That is why it is said, इसलिए कहा गया है unity is strength, मतलब एकता में ताकत है। Okay students, so finish this in your, complete this in your book and complete, tick the correct options, sorry, first of all difficult words with their meaning, then tick the correct options, then fill in the blanks, true, false and question answers in your English notebook, okay? Now we have completed our first chapter. Thank you.